सो हेलो गाइस, मैं हूँ इस ऑफिसकर, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल को। तो गाइस, मैं आज के एक और वीडियो, नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो कह देना एक लाइक। चलो गाइस, पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस, आप जो वीडियो बनाता हो यूट्यूब के लिए, तो आपको जो लोगो है आपका चैनल का, वो आप नीचे लगाते हो एडिट करने के पहले। तो आपको ऐसा लोगो आप हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से एक अपडेट आया है, वो अपडेट से आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब में लोगो लग जाएगा, चैनल का लोगो, जो आपका चैनल का लोगो है वो आप लग जाएगा। तो गाइस, मेरा मोबाइल इस तरह दिख रहा है, तो रोटेट करके इस तरह देखो, आपको दिखाई देगा लोगो। तो गाइस, ऐसा वीडियो मैं हर तक ले आता हूँ। तो गाइस, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और पास बेल आइकन को दबा देना। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो आपको एन स्क्रीन वीडियो लगाना चाहते हो तो पहले मैंने वीडियो एक अपलोड किया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है m.youtube.com, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको ऐसा यहाँ पर थ्री डॉट का आइकन जो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड आपको करना है। करने के बाद आपको जो आपका लोगो है उसको ऊपर एक बार टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। जाने के बाद गाइस बताता हूँ, जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको नीचे चले जाना है। सॉरी गाइस, आपको जो एक इंसान दौड़ रहा है ये आपको इसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक बॉक्स भर देना है। भर देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको करने के बाद आपको यहाँ पर आपका चैनल में ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको ब्रांडिंग मिलेगा। ब्रांडिंग में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस, आपको ऐसा इंटरफेस नहीं आया तो आपको आपको एड ऑटर मार्क बोले एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन को टैप करना है। टैप करने के बाद आपको चूज फाइल करना है। चूज फाइल करने के बाद आपको जो आपका लोगो है उसको आप एक बार क्लिक करके सेव कर देना होगा। सेव कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अपडेट कर देने के बाद अपडेट कर दिया होगा इस, तो आपको एक बार वीडियो में ले जाके दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं आपको यूट्यूब ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो मेरा वीडियो है वो आपको दिखाता हूँ। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ मिले, देखो गाइस, राइट कोने में एक मेरा जो चैनल का लोगो है वो ऑटोमेटिकली लग गया है। तो आपको ऐसा करने से ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको ऐसा ट्यूटोरियल चाहिए तो कैसा ट्यूटोरियल चाहिए आप कमेंट करके बताना, मैं वीडियो बना दूँगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।